सुपर टेक्निकल अशोक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके पास वाला घंटे का बटन भी दबा दो, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर टेक्निकल अशोक यूट्यूब चैनल में और मैं हूं अशोक। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग की वीडियो दिखाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इस मोबाइल को बाहर निकालूंगा और इसका कैमरा कितना है, फिंगरप्रिंट कैसा है, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इसकी मेमोरी जो कितनी है और रोम कितनी है, रैम, सब कुछ जानकारी इसकी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इस मोबाइल का जो है कैमरा टेस्टिंग भी करूंगा, जिससे कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसका कैमरा कैसा है, अच्छा है या नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे नया टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूं। और घंटी का बटन भी दबा दें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए अब दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है मोटोरोला मोटो E5 मोबाइल। तो इसकी प्राइस कितनी है मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। इस पर लिखी हुई 10,999 रुपीज़। और ये मोबाइल मंगाया गया है अमेजोन से, तो उधर इसका रुपये लगा है 7,000। तो दोस्तों अब मैं इस मोबाइल के बॉक्स को ओपन करता हूँ। तो ये मोबाइल एक बार तो पहले से ही ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो इसके ऊपर अभी कोई प्लास्टिक कोई मतलब पैकिंग नहीं है। तो सबसे पहले हमारा जो है डिवाइस से बाहर निकल गया है और दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है मोटोरोला। तो अब मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ इसके बारे में, जैसे कि इसके पीछे एक फिंगरप्रिंट है और फ्लैश लाइट है और कैमरा है। तो कैमरा इसका 13 मेगापिक्सल है और फिंगरप्रिंट है इसके पीछे। और इसके पास में जो है पावर ऑन का बटन है और वॉल्यूम का बटन है ऊपर नीचे। और इसके सामने जो है एक कैमरा है 5 मेगापिक्सल का और एक है फ्लैश लाइट। और इसके नीचे मोटोरोला लिखा हुआ है, इसका लोगो है मोटोरोला का, आप देख सकते हैं। इस मोबाइल के डिब्बे पर बॉक्स पर दिखाया गया है सब कुछ डिटेल। तो इसमें आप दोस्तों देख सकते हैं 4000 इसकी बैटरी है और 14.5 सेंटीमीटर विजन डिस्प्ले है और फिंगरप्रिंट रीडर है, मतलब कि फिंगरप्रिंट इसमें अवेलेबल है। और इस बॉक्स के अंदर और क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बॉक्स है, तो ये एक मोटोरोला का लिखा हुआ है लोगो, हेलो मोटो, और मैं इसको साइड में रख देता हूँ। और इसके पास में आप देख सकते हैं ये है एक नोटबुक, इस पर हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसको पढ़कर आप इस मोबाइल को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और इसके पास में ये एक और नोटबुक दी गई है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें भी ये मोबाइल के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है। इसको भी साइड में रख देता हूँ। और इसके नीचे हमारे को मिलते हैं एक तो हेडफोन है, मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये ओपन कर दिया मैंने। और ये जो हेडफोन है बहुत ज़्यादा मतलब ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा एक बार। तो इसको भी साइड में रख देता हूँ अब। और इसके बाद में है जो ये USB केबल है मोबाइल चार्जिंग करने वाली, और ये है एक चार्जर जो कि इसको मोबाइल को चार्जिंग करता है। तो दोस्तों बॉक्स तो खाली हो गया, अब इसके अंदर में कुछ भी नहीं है। तो अब मैं आपको इस मोबाइल का जो कैमरा टेस्टिंग आपको दिखा देता हूँ और इसको ऑन करता हूँ सबसे पहले। तो हम ऑन करते हुए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैंने पावर बटन क्लिक किया और ये जो है मोबाइल है जो ऑन हो रहा है। दोस्तों ये मेरे को मोबाइल है जो बहुत ही दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप दोस्तों बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये मोबाइल कैसा लग रहा है। तो ये जो है पावरेड बाई एंड्रॉयड लिखा हुआ आया है और हेलो मोटो जो इसका लोगो आया हुआ है, और ये मोबाइल है जो ऑन हो रहा है अभी, मोटो E5। ये ऑन हो चुका है, तो मैं अभी लेट्स गो पर क्लिक करता हूँ। क्लिक किया तो कॉपी योर डेटा सेटअप न्यू एंड गेट ए फ्रेश स्टार्ट। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ दूसरे ऑप्शन पर। तो इधर से हमारे को एक वाईफाई मांगेगा, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, एक बार स्किप कर देता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ बिना किसी अकाउंट के। तो मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया है। और अब हमारे को इसको डेट एंड टाइम सेट करने को बोल रहा है, तो मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ, ऐसे ही नेक्स्ट कर लेता हूँ। और इधर ऐसे ही नेक्स्ट कर लेता हूँ। और फिंगरप्रिंट जोड़ने का बोल रहा है, तो फिंगरप्रिंट जोड़ देता हूँ मैं। तो ऐड फिंगरप्रिंट पर मैंने क्लिक किया, तो ये तीन ऑप्शन आया, तो मैं इसको पैटर्न पर क्लिक कर देता हूँ और यस पर क्लिक करके एक फिंगरप्रिंट सेट कर लेता हूँ। तो पहले तो हमारे को एक पैटर्न लगाना होगा, नहीं तो फिंगरप्रिंट की कोई सुरक्षा नहीं होगी। तो मैंने जो है पैटर्न लगा दिया है और ये जो है फिंगरप्रिंट लगाने का बोल रहा है, तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। और अब इसके पीछे जो है फिंगरप्रिंट लगाता हूँ। तो ये जो फिंगरप्रिंट मैंने लगाया है ये हो चुका है डन। मैं अब डन पर क्लिक कर देता हूँ और ये जो सेव हो जाएगा। तो मैं इस मोर पर क्लिक करता हूँ और इधर से आई एग्री पर क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। ऑल सेट इस पर मैंने क्लिक कर दिया। और एक गिव मोटो परमिशन टू हेल्प यू,
तो इस पर मैं आपको इसको ऊपर उठा लेता हूँ और इस नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो है यस आई एम, तो ये सब कुछ मैंने एग्री कर दिया और ये मोबाइल है जो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इसका जो मोबाइल का स्टार्ट होते समय इसका टाइम है जो 9:45 है और इसका ब्लूटूथ है जो ऑन है अभी। दोस्तों इस मोबाइल की जो है इंटरनल मेमोरी है 16 GB और इसका रैम है जो 2 GB रैम है। तो दोस्तों इसका जो कैमरा बहुत ही अच्छा दिख रहा है, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है कैमरा इसका। और इधर आप दोस्त देख सकते हैं, मैं आपको एक फोटो खींच कर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैंने फोटो खींचा है तो फुल HD का फोटो है, वो कुछ भी नहीं पड़ता है क्योंकि इसका कैमरा है जो प्राइमरी कैमरा है 13 MP का है। अब मैं आपको इसको बैक करके दिखा देता हूँ और इसका एक वीडियो शूट करके आपको दिखा देता हूँ।